जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर की तलाश में हैं जो आपको पोर्टेबिलिटी के साथ साथ पार्टी का भी मजा दे सके, तो कैसा होने वाला है वो स्पीकर। आई होप आप ज़रूर उसका अप्रिशिएट करने वाले हैं। जी हाँ, अपने बैकग्राउंड वीडियो और थंबनेल देख के बिल्कुल ही ठीक समझा। आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ मार्शल की तरफ से एक प्रीमियम कैटेगरी का ब्लूटूथ स्पीकर जिसका मॉडल है ऊबॉन 2। बट बिफोर स्टार्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर आर लेटेस्ट अपडेट्स। जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंचेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा लगा जिस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर, एंड यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं चार चार एम्पलीफायर देखने को मिलता है। एक्चुअली जो बात क्या है, इसके अंदर आपको दो ट्वीटर्स मिलता है। बेसिकली आपको पता ही है ट्वीटर्स का काम क्या होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसीज होता है उसको अच्छे से डिलीवर करता है। एंड यहाँ पर जो ट्वीटर्स आपको देखने को मिलते हैं, करीब इसका साइज है 1 इंचिस से लेकर 1.5 इंचिस। एंड यहाँ पर दो साउफर ड्राइवर भी दिया गया है जो हमारा लो फ्रिक्वेंसीज होता है उसको डिलीवर करता है, एंड जिसका साइज ऑलमोस्ट है 5.25 इंचिस ईच अदर। बट कंपनी ने यहाँ पर किया क्या, पर डाइवर्स के लिए अलग अलग एम्पलीफायर को यूज़ किया है, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्लास डी एम्पलीफायर है एंड खुद का बनाया हुआ जो मार्शल का 1 प्रोडक्शन एम्पलीफायर है, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर 15 वाट्स के 2 एम्पलीफायर दिया गया है जो बैस को प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली बैस ड्राइवर के लिए, वो भी क्लास डी है। एंड जो और जो एम्पलीफायर यूज़ किया है बेसिकली एचएफ ड्राइवर्स के लिए, जो मैंने बताया हुआ है ट्विटर्स के लिए, तो ट्विटर्स के लिए यहाँ पर इंच 15 वाट पावर चाहिए होता है, एंड जिसलिए 2 एम्पलीफायर का यूज़ किया है। तो लिटरली दोस्तों, एक चीज़ मेरे को ये अच्छी क्यों लगा, देखिए अगर ब्रांड चाहता तो यहाँ पर एक एम्पलीफायर ही दे सकते थे एंड वहाँ पर अलग अलग चैनल्स बना के दे देते एंड वो आउटपुट भी आपको मिल जाता। बट ब्रांड ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको एक प्योर अच्छी खासी साउंड एक्सपीरियंस सुनने को मिल सके इसलिए। नाउ कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्लूटूथ का लेटेस्ट 5.0 वर्सन मिलता है, एंड इसके अलावा एयरविक्स इनपुट, एंड आपको अगर कस्टमाइज साउंड ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली इसका एक अलग सी ऐप आता है जो मार्शल का खुद का बना हुआ ऐप है मार्शल कनेक्टिविटी नाम पे। आप उसको अपना स्मार्टफोन इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन कस्टमाइज इट। एंड जैसे आपको पता ही है मार्शल का जितने भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर एक विंटेज फ्लेवर होता है, बेसिकली जो पुराने टाइम पर रेडियो आता था तो कुछ उसी प्रकार में दिखता है उनका सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। यह पर भी सेम फिनिशिंग टच देने की कोशिश किया है, एंड आपको अगर फ्रंट साइड में दिखाने की कोशिश करो तो यहाँ पर आपको मेटालिक ग्रिल मिलता है एंड मार्शल का ब्रांडिंग दिया गया है, एंड साइड पे इसका लेदर फिनिश है एंड ऊपर में भी इसका लेदर टेक्सचर है। एंड ऊपर में आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स मिलता है, एक पावर स्विच है, एक बस ट्रिबल एंड वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए नॉब दिया गया है, एंड एक सोर्स दिया गया है। बेसिकली सोर्स बटन में आप ब्लूटूथ इनपुट या अलग अलग जो मोड होते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको 2 होल्स दिया गया है, बेसिकली आप इसके ज़रिए इसको कैरी कर सकते हैं। नीचे हमारा RC इनपुट दिया गया है एंड एक है पावर कॉर्ड को लगाने के लिए इनपुट सॉकेट। तो ये सारे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर जो होल्स बेसिकली वो बास जो होता है बास रिफ्लेक्स पोर्ट है, यानी कि बास को प्रोड्यूस करने के लिए जो एयर होता है वो वहाँ से इन और आउट होता है, एंड उसको मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप उसको कैरी करने के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो डाउन है वो 30 हर्ट्ज तक जाता है, एंड इसका जो ऑफ है यानी कि हाई रेस्पॉन्स है फ्रीक्वेंसी वो 30 किलोहर्ट्ज तक जाता है, बहुत ही बड़ा संख्या है। एंड यह पर जो SPL मिलता है 110 dB का। साउंड टेस्ट तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करवा सकता बट क्योंकि ये मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ऐसा कोई है जिसको बहुत ही अच्छा प्रीमियम साउंड ब्लूटूथ स्पीकर पसंद है, तो इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इसकी जो साउंड सेपरेशन है बहुत ही अच्छा है, खास करके जो लो है हाई से
बहुत ही अच्छा है। एक एक इंस्ट्रूमेंट बैकग्राउंड सेपरेशन आपको सुनने को मिलेगा। एंड आपको पता ही है मार्शल का जो सिग्नेचर साउंड होता है वो काफ़ी पसंद किया जाता है, तो इसलिए आपको अच्छी खासी साउंड सुनने को मिलेगा एंड काफ़ी लाउड है, तो आप अपना रूम पे इसको पार्टी पार्टी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको खुद सुना है। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो 55,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है एंड ये फ्लैक्चुएट होता है। एंड आपको मैं यही सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को लेते हो तो ऑफलाइन स्टोर में जाइए, इसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलते हैं। ऑनलाइन में आपको सुनने को तो मिलेगा यूट्यूब में, बट आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारा कान सुन सके वो कोई भी माइक्रोफोन के थ्रू आप नहीं सुन सकते। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।